हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दी वाला स्पेशल पालक चना दाल की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप इसे सब्जी के जैसा सर्व करें या फिर दाल के जैसा, बहुत ही चटपटी बनकर तैयार होती है। सिंपल सी रेसिपी है और बनाना बहुत आसान है। तो चलिए आज की जो हमारी रेसिपी है इसे बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। पालक चना दाल बनाने के लिए मैं यहाँ पे बाउल ले रही हूँ और मैं इसमें ले रही हूँ 1/3 कप चने की दाल। दाल को हम अच्छे से 2 से 3 पानी धो लेंगे, जिसमें डस्ट वगैरह होते हैं वो निकल जाएंगे। तो दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं यहाँ पर कुकर ले रही हूँ और दाल को हम कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा जो पानी पीने वाला हमारा ग्लास होता है, मैंने वही लिया है। तो इस ग्लास से मैं 2 ग्लास और आधा ग्लास यानी 2.5 ग्लास पानी ऐड कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें ले रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच देसी घी। अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर और इसे गैस पर सीटी लेने के लिए रख देंगे। 1 सीटी हम हाई फ्लेम पे लगाएंगे और 3 सीटी हम लो फ्लेम पे लगाएंगे। 4 सीटी में हमारी जो दाल है एकदम परफेक्ट सॉफ्ट हो जाएगी। तो दाल को मैंने गैस पे रख दिया है और मैंने यहाँ पे लिया है पालक। तो पालक को मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अब मैं इसे बारीक चॉप कर ले रही हूँ। पालक को मैंने बारीक चॉप कर लिया है और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और 5 से 6 लहसुन की कलियां जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। कुकर ने सीटी ले ली है। अब हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए, हमारी जो दाल है एकदम अच्छे से पक चुकी है, एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। मैं इसको मसल के दिखा रही हूँ, ये देखिए एकदम परफेक्ट। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ, दाल को तड़का लगाएंगे। तो गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है और मैं इसमें ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे और मैं इसमें ले रही हूँ 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा को थोड़ा सा चटकने देंगे। तो हमारा जो जीरा है अच्छे से चटक रहा है। अब मैं इसमें ले रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और इसे हम चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे, इसका कच्चापन निकल जाए। पालक वाली दाल में आप लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमारा जो अदरक और लहसुन है देखिए काफ़ी अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 कटा हुआ प्याज। अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे, प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे, नहीं तो हमारे जो प्याज और लहसुन है वो जल जाएंगे। तो हमें लो मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से इसे भून लेना है। तो हमारा प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर ले रही हूँ और साथ में हम जो पालक चॉप करके रखे हैं उसे भी ऐड कर लेंगे। चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पालक जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है टमाटर और प्याज के साथ। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो नमक मैंने पहले भी डाला था और हमें नमक ध्यान से डालना है। तो मैंने स्वाद अनुसार नमक लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने लिया जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच सौंफ का पाउडर है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है दाल में। और सभी मसाले को हम चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। 1 मिनट के लिए हम मसाले को भून लेंगे। और हमने नमक ऐड किया है तो इससे हमारे जो पालक है और टमाटर अच्छे से पक जाएंगे। हम इसे कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। 2 मिनट बाद हम चेक करेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो पालक है और टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और मसाला भी एकदम अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसे हम चलाते हुए थोड़ा सा इस तरह से कलछी से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने दाल को उबाल के रखा हुआ है।
और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। अगर दाल आपको गाढ़ी लगती हो तो आप थोड़ा सा पानी गर्म करके इसमें ऐड कर लीजिए। हमारी जो दाल है एकदम परफेक्ट है, ये बिल्कुल गाढ़ी नहीं है। तो अब मैं इसे ढककर 2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी, जिससे कि क्या होगा कि दाल में जो पालक और मसाले हैं उसका फ्लेवर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो देखिए 2 मिनट मैंने इसे पका लिया है और हमारी जो दाल है अच्छे से पक के तैयार हो गई है। देखिए कितना परफेक्ट हमारी जो चना दाल है बन के तैयार हो गया है। तो अब इसे हम सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। एकदम परफेक्ट हमारी दाल बन के तैयार हो गई है। आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी। तो मैंने तड़का पैन में 1 बड़े चम्मच ऑयल लिया है और मैं इसमें ले रही हूँ 2 पिंच हींग। अदरक को मैंने बड़े बड़े इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में काट लिए हैं। इसे चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। इस तरह से आप तड़का लगाएंगे ना तो आपके जो दाल है उसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। 1 सूखी हुई लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च इसे मैंने बीच से चीरा लगा लिया है और 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। हरी मिर्च को हमें बहुत ज़्यादा जलने नहीं देना है, इसीलिए हमने इसे पीछे से ऐड किया है। अब हम इसे दाल पे गिराएंगे। तो तड़के से हमारा जो दाल है देखने में तो बहुत ही परफेक्ट दिखता ही है, बिल्कुल ढाबे जैसा, लेकिन इसका जो स्वाद है वो भी बहुत अच्छा आता है। हींग का जो तड़का लगाते हैं उससे जो हमारी दाल है बहुत ही चटपटी लगती है। इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। हमारी जो पालक चना दाल बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।